बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तुसी देखदे पयो गंदारा हिंको टीवी ते मैं महफूज हुसैन सिद्दीकी हिंको खबरां नाल हाजिर हां। सबसे पहले खबरां दा खुलासा, हिंको मतलब दी एंड्रॉयड ऐप दा शानदार इफ्तिताह, अमरीका दी पाकिस्तान नूं वत वार्निंग, जनूबी एशिया से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, नवाज शरीफ मरियम ते सफदर से सजा मुअत्तली दे खिलाफ दी अपील ते समाअत अज होसी, सऊदी अरब दा पाकिस्तान नूं 12 अरब डॉलर मालियाती पैकेज देने दा फैसला, वजीर आजम इमरान खान ने किया कि तालुकात में बेहतरी वसे इंडिया विच इलेक्शन होने का इंतजार करने पाया, सनामीर आईसीसी रैंकिंग विच नंबर 1 बॉलर का एजाज पाने वाली पहली खातून बन गई है। तो हुण खबरां दी तफसील, गंदारा हिंको बोर्ड ते गंदारा हिंको अकैडमी दी मायानास तहकीकी किताब हिंको मतला दी एंड्रॉयड ऐप दी शानदार तकरीब रनुमाई गंदारा हिंको अकैडमी दे अहमद अली साईं ऑडिटोरियम विच मुनक्कद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी अहमद सलीम ने किया कि पाकिस्तान जबाना दा बाग है, इस बहुत सारे फूल उन ते हर फूल दी अपनी खुशबू है। उन्होंने गंदारा इनको बोर्ड दी जबाना दी तरवीज और तरक्की दे हवाले नाल खिदमात नूं सराया। गंदारा इनको बोर्ड दे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन ने किया कि नौजवान नस्ल किताबां सी दूर पई जांदी है, इस दे पेश नज़र एंड्रॉयड ऐप तैयार की गई है। प्रोफेसर मोहम्मद आदिल ने प्रेजेंटेशन पेश करदे किया कि ऐप नूं आसानी नाल मोबाइल विच इंस्टॉल किया जा सकदा है ते हुण फिंगर टिप ते हिंको मतलब दे रोजमर्रा मुहावरियां नूं उनवान ते हरूफ दी मदद नाल भी सर्च किया जा सकदा है। उन्होंने किया कि साने जो कम किया वे ओ अपनी जबान नाल मुहब्बत विच किया है। डू मोर दे मुतालबे दे नाल अमरीका ने पाकिस्तान ते वाजिया कर दिता वे कि वाशिंगटन दी जनूबी एशिया से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान विच किया कि पाकिस्तानी कयादत दे नाल उन्हां दी चंद हफ्ते पहले मुलाकात हुई, जिस विच उन्होंने वाजिया कर दिता कि अमरीका दी जनूबी एशिया पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमरीकी वजीर खारजा ने किया कि उम्मीद है कि पाकिस्तान नूं जड़ा हदब देता गया वे ओ उन्हों पूरा कर सी ते दहशतगर्दां नूं महफूज पनागावा न दे सुन। उन्होंने मजीद किया कि जनूबी सरहद ते दहशतगर्दां दी महफूज पनागावा खत्म न कीतियां गईआं ते खमियाजा भुगतना पैसी। सुप्रीम कोर्ट विच साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उन्हां दी साहबजादी मरियम नवाज ते दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर दी इवन फील्ड रेफरेंस विच सजावां बहाल कीते जाने वसे मुतालिक कौमी एहतसाब ब्यूरो दी अपील ते समाअत अज होसी। चीफ जस्टिस आफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार दी सरबराई विच जस्टिस मशीर आलम ते जस्टिस बजर आलम मियां खेल ते मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट दा 3 रुकनी खसूसी बेंच नैब दी अपील ते समाअत करसी। नैब ने 22 अक्टूबर नूं दायर की गई अपनी अपील विच अदालत उजमसी इस्तदा की गई कि इवन फील्ड रेफरेंस विच नवाज शरीफ मरियम नवाज ते कैप्टन रिटायर्ड सफदर दी सजावां मुअत्तल करने दा इस्लामाबाद हाई कोर्ट दा फैसला कल अदम करार दे के मुलजिमां दी जमानत मनसूख की जाए। वजीर आजम इमरान खान दा दौरा सऊदी अरब कामयाब हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 12 अरब डॉलर दे मालियाती पैकेज देने दा फैसला कर लिता। वजीर आजम आफिस दी जानिब सी जारी इलामिया दे मुताबिक इमरान खान दा दूसरा दौरा सऊदी अरब दे मौके ते दोनों मुल्क के दरमियान इकतसादी ते मालियाती तामन दे अहम फैसले किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी शाह सलमान ते वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दे नाल मुलाकात की थी। इस मौके ते मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम इमरान खान दी तजवीज दे नाल इत्तेफाक करदे हुए पाकिस्तानी वर्कर्स वसे सऊदी वीजे दी फीस विच कमी ते आमादगी जाहिर की थी, जेड़ी के सऊदी अरब विच मौजूद पाकिस्तानी वर्कर्स वसे इंतहाई अहम कदम है। वजीर आजम इमरान खान ने किया कि मईशत दी बेहतरी वसे हर सूरत मनी लॉन्ड्रिंग नु रोकना होसी, करप्शन ही मुल्क नूं गरीब बना दिए, करप्ट हुक्मरान करप्शन वसे गिरफ्त करने वाले इदारियां विच अपने लोग लगा के उन्हां नूं तबाह कर दें। इमरान खान ने मजीद किया कि असी जड़ी भी इस्लाहात करसियां उसका असर आने वाले दिनों ते पैसी, आने वाले 3 से 6 महीने पाकिस्तान वसे सख्त, पाकिस्तान विच इदारे मजबूत करना साढ़े वसे चैलेंज है, नई दिल्ली दे नाल तालुकात विच बेहतरी वसे इंडिया विच इलेक्शन होने दा इंतजार करने पया क्योंकि इंडिया विच पाकिस्तान मुखालफत दे वोट मिलदे हुन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी सबक कप्तान सनामीर खवातीन दी आईसीसी वनडे रैंकिंग विच नंबर 1 बॉलर बन गई, जबकि ओ ए इजाज हासिल करने वाली पहली खातून हुन। पाकिस्तान वेमन टीम दी सबक कप्तान सनामीर दी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया दे खिलाफ भी कमाल दी रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी सबक कप्तान सनामीर खवातीन दी आईसीसी वनडे रैंकिंग विच नंबर 1 बॉलर बन गई, जबकि ओ एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हुन। पाकिस्तान वेमन टीम दी सबक कप्तान सनामीर दी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया दे खिलाफ भी कमाल दी रही है ते उन्होंने 3 वनडे मैचेस दी सीरीज विच 7 विकटां हासिल कीतियां। सनामीर ने 4 दर्जे तरक्की पाई ते आईसीसी रैंकिंग विच पहली पोजीशन हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी होने दा एजाज हासिल कर लिता ते नाल ही ऑलराउंडर विच भी 5वीं पोजीशन ते कब्जा जमा लिता। पाकिस्तान दी तजुर्बाकार ऑलराउंडर सनामीर 112 वनडे ते 90 T20 इंटरनेशनल विच पाकिस्तान दी नुमाइंदगी कर चुकी है। तो इस दिन की खबरें खत्म हुई, वक्त मिलसियां अगली खबरों नाल, अल्लाह ने निगेबान। ज़िए।